हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग ऑफ जी टाउन मुंडा. आई होप आप सब सही होंगे. मेरे साथ है चौहान टाउन और आज की वीडियो काफी स्पेशल है. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड थार एक्सेसरीज जो सब लगवाते हैं अलोंग विद इट्स प्राइस. और उसके लिए हम जा रहे हैं, काफी फेमस शॉप है करोल बाग में भारत एक्सेसरीज करके, तो वहां जाके मैं आपकी भारत भैया से ही बात करवाता हूँ और आपको सारी टॉप 10 थार एक्सेसरीज के बारे में बताता हूँ अलोंग विद द प्राइस रेंज. सो लेट्स मीट इन करोल बाग. हम करोल बाग भारत कार एक्सेसरीज पे YouTube पे हमने इनकी काफी वीडियोस देखी थी. यहाँ पे एक थार पे ऑलरेडी काम चल रहा है और ये हमारी है वाइट थार. तो आइए शॉप के अंदर चलते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि थार की कौन सी कॉमन और सबसे यूज्ड एक्सेसरीज हैं उनका आपको एक रेंज हम बता देंगे. सो आई विल स्टार्ट विद द ग्रिल. सामने आप देख सकते हैं ग्रिल में भी अलग अलग मॉडल्स आते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए. एंड दिस इज द ग्रिल दैट वी हैव चोजन. तो भैया इसका प्राइस आप ग्रिल का थोड़ा सा रेंज बता देंगे. I'll start with the grill. ग्रिल है थार में, अगर आप FRP लेते हो तो अराउंड 4500, अच्छी क्वालिटी में 5000. अच्छा, 2700 8000 ग्रिल थार की होती है. अच्छा, तो 4 से 10K के बीच में हम मान लें. हाँ जी, हाँ जी, 4 से 9K के बीच में आपको एक ग्रिल परचेज करनी चाहिए. बट डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी उसमें इतनी रेंज है. जैसे वो लाइट वाली ग्रिल है, हाँ ठीक है, वो आपका वो 7500 की है. अच्छा ठीक है, और बाकी सारी ग्रिल्स हैं इंजेक्शन मोल्डिंग पे भी 3-4 क्वालिटी है. तो हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज आती है 4 से लेके 899K तक आपको. और ग्रिल के बाद अगर मैं बोलूँ तो सेकंड मोस्ट कॉमन एक्सेसरी जो सबसे ज्यादा लोग लगवाते हैं, मेरे ख्याल से जो टॉप 10 एक्सेसरीज होंगी ग्रिल प्लस हेडलाइट सेकंड मोस्ट कॉमन. राइट, आई थिंक इफ यू गो विद द स्केल ऑफ एसेंशियल, मतलब जो आपको नीडेड है गाड़ी के अंदर, दैट इज अ स्किड प्लेट जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है हर गाड़ी में, बिकॉज रेडिएटर बहुत नीचे है और रेडिएटर हार्म भी हो जाता है. बहुत सारे कस्टमर्स का हुआ है हमारी तो, लेकिन 4x2 है. 4x2 हो या 4x, आप अगर रोड पे जा रहे हैं चाहे 4x2 का, आपका रेडिएटर तो वही है. अगर गड्ढा है या बारिश है तो जैसे रेडिएटर हिट होगा तो गाड़ी वहीं पे बंद हो जाएगी. तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल. फिर फोर्थ में मेरे ख्याल से आर्मरेस्ट आते हैं. आर्मरेस्ट, हाँ, मैंने हेडलाइट के साथ ही फॉग लैंप्स भी इंक्लूड कर दिए, क्योंकि फॉग लैंप्स साथ साथ में एक एक वो रेंज भी दे दो आप, जैसे मैं वीडियो में डाल दूंगा. और हेडलाइट्स एंड फॉग लैंप्स एक मोटा मोटा 4500 से स्टार्ट होकर 23-24000 तक चले जाते हैं. अच्छा, जैसे कुछ भैया ने निकाले भी हैं, दीज आर द वंस दैट वी हैव शॉर्टलिस्टेड फॉर आवर वाइट थार. और फॉग लैंप्स भी निकाल दिए हैं, वहां पे वो हाइपोसोनिक वाले भी पड़े हैं, वो पिंपल ग्लास वाले भी पड़े हैं. तो यहां शॉप पे काफी वैरायटी है, अकॉर्डिंग टू योर बजट यू कैन चूज. बट भैया ने बताया इट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर अराउंड 4500. अच्छा अच्छा, ठीक है. उसके बाद आप अगर जाओगे तो फिर फॉग लैंप्स की रेंज एक आ जाती है. फॉग लैंप्स अगेन 7000-6500 से स्टार्ट हो जाते हैं, अच्छे अच्छे फॉग लैंप. और उसके बाद अप टू 14K-13K फॉग लैंप की एक रेंज होती है. जैसे जो आप अब जैसे और एक्सपेंसिव में जाते हैं तो 14500 का वो आता है हाइपरसोनिक का प्रोजेक्टर लैम्प, है ना. तो ये रेंज है. और फिर आपका प्रोजेक्टर्स के अंदर एलईडी की रेंज है, उसमें आप ये डिपेंड ऑन द शॉपकीपर, कहाँ पे आप हो, यहाँ पे आप कितनी वैरायटी आपके पास है, कितनी एलईडी है, तो कितनी रेंज रख के बैठे हैं. तो हमारा ग्रिल कवर हो गया, लाइट कवर हो गया, आपने स्किड प्लेट बताया नीचे का, फॉग लैंप हो गए, तो 4-5 चीजें हो गई. इसके बाद आपके हिसाब से व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सेसरी? या वन ऑफ द वेरी मोस्ट कॉमन एक्सेसरी अगेन इज आर्मरेस्ट, जो बहुत सारी गाड़ियों में लगते हैं. आर्मरेस्ट जितना धार में बिका है, मेरे को लगता है कि प्योर गाड़ी में बिके. तो वो फ्रॉम 6000-10000 या 15000 एक रेंज, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, रेंज, मटेरियल, राइट, कपड़ा. उसके बाद एक डेड पेडल, अगर ऑटोमेटिक कार है, पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल गो फॉर अ डेड पेडल. हां, डेड पेडल बहुत कॉमन एक एक्सेसरी, वो तो सस्ती एक्सेसरी होगी, 1000-2000 के बीच की टाइप्स. अच्छा, 1000 से 3000 के तक. कोई आर्मरेस्ट रखा हुआ है अगर मैं क्विकली दिखा पाऊं वीडियो में, व्हाट क्वालिटी यू हैव? तो भाई अभी आर्मरेस्ट निकाल रहे हैं, आपको दिखाते हैं. आर्मरेस्ट में लाइक बीच में मैनुअल में इशू नहीं आता, लाइक अभी तो हमारा आर्मरेस्ट है नहीं, पर हम जब गियर लगा रहे होते हैं तो पीछे जाते हुए मतलब आई फील नहीं, वो आप पीछे खत्म हो जाते हैं एक्चुअली गियर, और ऊंचा होता है एक्चुअली आर्मरेस्ट. ओके, और एक और अभी इसके बाद एक और बड़ी कॉम्बिनेशन मेरा थ्रॉटल बम्पर. तो आप देख सकते हो उसकी स्टिचिंग इज आल्सो रियली स्टाइलिश, लुक्स रियली नाइस. और स्पेस भी देख लेते हैं, खुलता है
स्पेस तो इतनी नहीं है बट ओवरऑल लुक्स रियली नाइस। तो भैया हमारी गाड़ी मिल गई। हाँ अभी तो स्पेस इशू तो कुछ भी ना से कुछ तो बेटर है। हाँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। तो भैया आप बता रहे थे नेक्स्ट मोस्ट कॉमन बम्पर बता रहे हो। बम्पर तो आप अगर 30% या 20% कार में दो हिंजेस हैं। अच्छा, तो बहुत गाड़ियों में आपने देखे होंगे साइड हिंजेस। हाँ। तो ये बहुत लगते हैं। एंड वन मोर वेरियस इंजन थिंग इज अ ग्रैब हैंडल। राइट, ग्रैब हैंडल्स भी बहुत गाड़ियों में लगते हैं। एवरीवन हमारे सबके घर में पेरेंट्स हैं, सब कुछ है, सबके लिए हाइट इशू है गाड़ी में चढ़ना, तो दे नीड समथिंग टू होल्ड ऑन टू। हाँ हमारी फैमिली में तो सब 6 feet प्लस है, लेकिन अभी भी मदर को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसका क्या बजट रहता है नॉर्मली प्राइस रेंज? 2200 to 3500 ये वाले। और वेट कितना ले लेता है ये? ये वेट कितना भी ले कितना भी वेट मैं 120 का हूँ, चढ़ सकता हूँ इस पर। अच्छा, वेट इज नॉट एन इशू बिकॉज वो डिजाइन ही ऐसे होते हैं ना कि आपका वेट हिंज पे नहीं गाड़ी पे पड़ रहा है, गाड़ी के लिए 120 किलो कोई वेट नहीं है। अच्छा, 1800 किलो की गाड़ी है हमारी, 1800 केजी। ओके, एंड टॉकिंग 2 आई थिंक इज अ बिट लाइटर। हाँ लाइटर है इसलिए माइलेज बेटर है उसकी। एंड देन टॉकिंग अबाउट द ग्रैब हैंडल्स, आप उसका क्वालिटी या फिर प्राइस दोनों बता सकते हैं? ग्रैब हैंडल्स ऐसे पेयर में आते हैं या फिर सेपरेटली सिंगल सिंगल? अच्छा पेयर आते हैं, दोनों तरफ लगते हैं। दिस इज अ एल्युमिनियम ग्रैब हैंडल। ओके, इसमें क्या होता है कि आर पार ड्रिल हम यही यूज करते हैं। हां, सो इफ यू सी वेट वाइज इट इज वेरी लाइट। ओके, एंड द अदर वंस आर यूजुअली हेवी। द वन ब्रो अलग काफी हेवी है इसे लेकर। एक और मैं आपको दिखाता हूं प्रोबेबली अगर होगा। सुभाष जी रहेगा। तो ये लगाने के लिए मतलब ड्रिलिंग रिक्वायर्ड होती है वहां पे? नहीं, इसमें ड्रिलिंग नहीं होती। दिस कैन बी फिट ऑन द बैक साइड। अच्छा, ऑफ द पिलर एंड देन आपका ये एलन की बोल्ट्स में आप ये फिटिंग के अंदर इन्हें टाइट कर देते हो। द वन व्हिच रिक्वायर्स द ड्रिलिंग इज दिस वन। नाउ यू सी हाउ हेवी इज दिस, एंड आप एक में ये होल्ड करो, दिस इज एल्युमिनियम एंड दैट इज एमएस। काफी फर्क है, पूरे लोहे का लग रहा है। अच्छा, दिस इज एक्चुअली दिस इज चीपर बिकॉज़ दिस इज अगेन मेटल, जस्ट मेटल। अच्छा, और ये एल्युमिनियम है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। रफली अराउंड 2500 to 4000 एक रेंज आती है ग्रैब हैंडल्स की। तो आई थिंक अभी अप्रॉक्सीमेटली हमने 6-8 एक्सेसरी तो कवर कर ही ली होंगे। वो तो यार एक्सेसरी की कोई लिमिट ही नहीं है यार। नहीं, मैं फिर भी टॉप 10 बताना चाह रहा था, दैट वाज द टाइटल ऑफ द वीडियो। सो इज देयर एनीथिंग एल्स वी आर मिसिंग? नो, कितनी बड़ी रेवलेशन थी कि रात को कोई बैठा था और मर्सिडीज के एसी वेंट सोचे कि थार में आ सकते हैं और एक दिन लगा दिए, वो वीडियो इतनी वायरल हो गई कि आज तक थार में एसी वेंट इज वन ऑफ अगेन वेरी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। अच्छा ये रखे भैया के पास हाइपरसोनिक के, एंड व्हाट इज द प्राइस रेंज फॉर दीस अगर किसी को लगवाने हो? 6000 से लेके 9-10000 तक आते हैं। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड्स एंड एवरीथिंग, क्या आप प्रॉपर फिटिंग वाला ले रहे हो, पहले वाले छोटे वाले ले रहे हो, आजकल 6500-6000 के अराउंड है, अच्छे वाले थोड़े महंगे। बट इनमें वारंटी होती है, क्योंकि हमने गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइट लगवाई थी पहले क्रेटा में, तो उसमें ना वो लाइट खराब हो जाती है यूजुअली। तो हम इवन वीवर वर्ड के इसके अंदर जो लाइट्स है हम तो मेनली उसके लिए लगा रहे हैं, बिकॉज स्टॉक वेंट्स भी ठीक है बट हम मेनली जा रहे हैं लाइट के लिए। तो वो लाइट की चलती है कितने टाइम है वो? ये तो विद 1 ईयर वारंटी आता है, दैट इज व्हाई हम हाइपरसोनिक के एसी वेंट यूज करते हैं, बिकॉज वो वारंटी के साथ ही आते हैं। स्पेसिफिक एक वारंटी कार्ड भी आता है। तो भैया के पास हर एक एक्सेसरी की रेंज है पूरी, दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग यू अ रेंज एंड नॉट अ फिक्स्ड प्राइस। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू लाइक एंड व्हाट योर बजट इज आप चूज कर सकते हो फॉर एवरी एक्सेसरी। एसी वेंट्स उन्होंने बताया अराउंड 6K से स्टार्ट हो जाते हैं, और ये हाइपरसोनिक वाले 1 ईयर वारंटी के साथ भी आते हैं। सो इफ यू वरीड अबाउट द लाइट तो उसकी वारंटी आती है। एंड अगर आप किसी भी अच्छे डीलर से ले रहे हो तो आपको ये प्रॉपर एसी वेंट का वारंटी कार्ड मिलता है। अच्छा हाँ जी, और ये फिटिंग भी बढ़िया होती है इसकी। हाँ, कुछ ऐसे वो रहते नहीं है, जीरो फिटिंग होती है। जीरो फिटिंग होती है, दैट इज द ओके। एंड लास्टली बस मैट्स का प्राइस और बता दो। आई थिंक दैट मैट्स अराउंड 2000 से स्टार्ट हो जाता है, अप टू 5000 4500 5000 6000। जीएफएक्स वाले कॉमन है वो कितने का है? 2900 2800 का मैट आता है। अच्छा, तो वो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट भूल गया जो हमने सोची थी, जो थार की सीट फोल्ड होके आगे हो जाती है फिर साइड। इज दैट समथिंग यू आर डूइंग एज ऑफ नाउ? अभी हमने इसलिए नहीं किया बिकॉज उसमें ना एरर बहुत आता है। आप फोल्ड कर दो, मतलब इफ वी फोल्ड द सीट वी
make it vertical, right? Haan ji. And we are doing something which is against the gravity. Hmm. So after a while, वो load ले लेके थोड़ा सा तो nut free हो गई होगा. So एक वैसे आगे slide नीचे cage सा लग जाता है. वही वही cage. अगर आप कहीं भी hold करके nut डाल दो, तो मेरे को भी एक ही issue है कि मैं डाल दूँ तो उसमें कुछ नहीं है. एक वो bracket ही तो बनाना, उसे चार जगह screw करना, उसके ऊपर seat tight करना. But the only thing I am thinking about is अगर हम वो कर दे और कल को nuts loose हो रहा, इस गाड़ी में वैसे ही noise की दिक्कत है थोड़ी सी, तो वो नॉइस की दिक्कत अगर डबल हो गई तो मेरे पास, अगर हमारे पास एक कैरियर का ऑप्शन है, हम वो करके रहे फॉर द लगेज, राइट? जब हम एक कैरियर इंस्टॉल कर सकते हैं उस पर्पस के लिए, यार अभी रिसेंटली विल कम अप विद अ न्यू थिंग विच विल बी कैरियर ऑन रेंट, बिकॉज समर सीजन आ गया, एवरीवन विल गो टू हिल्स, एवरीवन विल गो टू हिल्स, सो वी आर कैरिंग, मतलब वी हैव ऑर्डर्ड अ फ्लीट ऑफ कैरियर्स कि हमारे पास इतने कैरियर्स हो दैट वी कैन गिव ऑन रेंट, क्योंकि हर किसी को कैरियर हमेशा यूज परमानेंट, हां लुक भी खराब करता है वो थोड़ी सी, तो यू कैन टेक योर कैरियर एंड उससे क्या होगा, प्रोबेबली मेरे ख्याल में आया था, एक तो वो एनवायरमेंट वाइज भी बेटर है कि आप मास प्रोडक्शन करके वेस्ट नहीं कर रहे, आपके घर में कैरियर बड़ा वेस्ट हो रहा है, वो यूज तो हो ही नहीं रहा है ना, तो दैट इज वन मोर थिंग विल कम अप विद, मेरे ख्याल से एक हफ्ते में ही अच्छा लॉन्च हो रहा है फॉर द कैरियर ऑन रेंट थिंग, बिकॉज़ अब बहुत बहुत ट्रैवलिंग खुल जाएगी, हां द समर लद्दाख बहुत होगा, स्पीति बहुत होगा, मतलब हम खुद फैसिलिटी ये यूज करेंगे, हां तो अगर आपको भी सारे व्यूअर्स को अगर आपको ये चाहिए कैरियर ऑन रेंट, सो यू नो वेयर टू कम, I'll add the description of the location and the number and everything. वैसे अगर कोई लगवाना चाहे तो how much does it usually cost the carrier? 8-9,000 rupees. तो start हो जाता है. अच्छा. तो अंदर से सीट खराब करने से अच्छा ऊपर ही कैरियर लगा लो, बिल्कुल अंदर से इतना छेड़ना क्यों, आपको ट्रिप जाने हो, प्लस जब कैरियर ऑन रेंट का थिंग है तो आपको तो कुछ छेड़ना नहीं, आप आए, आपने 5 दिन के लिए कैरियर यूज किया, आप वापस ट्रिप पे होके आ गए, आपने कैरियर किया, यू आर गुड टू गो, आपको कुछ इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, हां एज लॉन्ग एज योर प्राइसेस और द प्लान्स आर गुड, आई थिंक ये काफी हॉट सेलिंग आईडिया है, हां जी हां जी, आई थिंक बिकॉज़ अगर आप साल में कितने 4 ट्रिप्स करोगे या 5 ट्रिप्स करोगे, उसमें बट अगर उसमें आपका एक कैरियर की कॉस्ट तब भी नहीं लग रही, अगर ऑन द ऑन योर 5 तो ये सारी एक्सेसरीज का आपको प्राइस के साथ भरत भैया ने बता दिया है, सो वील एंड दिस वीडियो ओवर हियर, इफ यू लाइक द कंटेंट डू सब्सक्राइब एंड गिव अ थम्स अप, जी टाउन मुंडा साइनिंग आउट।